तो गाइस अभी हम जा रहे हैं स्टेचू ऑफ यूनिटी की मूर्ति के पास, वर्ल्ड लार्जेस्ट, बहुत बड़ी मूर्ति है श्रद्धा वाले, वो भी हमारे इंडिया में। दो से चार का टाइम है गुजरात में, दो से चार का टाइम है हमारा, तो पहले उधर जाएंगे, बाद में वो खत्म देखने के बाद थोड़ा सा खाना पीना होने के बाद फिर अहमदाबाद, फिर से घर पे लेजर शो भी देखना है। हाँ वो तो बाकी है, वो देखना है, फिर जाएंगे, दिखाते हैं अभी। Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad. I'm. अभी इतनी बड़ी लाइन है वहाँ पे, और अभी सभी लोग घूम हो गए थे, फिर मिल गए। ये बात कर सकते हैं पपाया वक्त नहीं। हाँ अभी गया। पीछे दिखा। तो जी मैं तो लाइन में। लाइन है अभी, पूरी फैमिली को इकट्ठा करते हैं क्योंकि सारे लोग हो गए तभी अंदर जाने देंगे। हेलो तुझे कोई नहीं देख रहा, चल निकल। अभी हम फाइनली अंदर तो एंटर हो चुके हैं, देखते हैं आगे की जाते, बहुत ही इधर से चलना पड़ेगा, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बट कोई नहीं लेके। दादी के लिए स्पेशल हमने ले लिए क्योंकि दादी को थक लग रहा है, इसलिए ये ले लेते हैं, अच्छी सुविधा है, जो अच्छी लगी। Ba-ba-da-ba-ba.
अभी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की चेस्ट पे पहुंच चुके हैं। कैसा एक्सपीरियंस? रिएक्शन जोरदार, हार्ट में दिल्ली के बाजू में बहुत मजा आ रहा है। इधर से व्यू भी एकदम मस्त है। जैसा जो पार्ट है, जैकेट का पार्ट है चेस्ट लेवल पे, और दोनों बाजू आउटर पार्ट जो है शोल्डर के ऊपर जो शॉल है उसका पार्ट है। ये बीच में जो दिख रहा है सेंट्रल बटन पट्टी का पार्ट है, ऊपर से सेकंड और नीचे से फोर्थ नंबर का बटन है, ऊपर सर्कल दिख रहा है, जैकेट का बटन है। ये जो लिफ्ट है उनके दोनों पैरों में चलती है, जो 38 सेकंड में आपको 45 फ्लोर पर लेके आती है। इसके ऊपर और 47 मीटर 150 फीट 15 फ्लोर है, खाली मेंटेनेंस के लिए रखा गया। राइट साइड है सतपुड़ा पर्वत रेंज, लेफ्ट साइड है विध्याचल पर्वत रेंज, दो पर्वत रेंज के बीच में सामने सरदार सरोवर डैम। बहुत जगह है। सामने आपको मूर्ति दिख रही होगी, उसमें लाइटिंग शो है, लेजर शो और ए लेजर शो एग्जैक्ट उधर से होता है। अब तीन स्टीरियो दिखते हैं ना उधर से, उसके पीछे से। ने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के पांच बेटों और एक बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं,
सारे देश के सरदार हैं और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। इधर धमा नाक लिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है, कोई खड़ा नहीं रह सकता, हम शांति से जाएंगे। देखो ये अकेला इधर बैठ गया सारे लोग। ओ दर्दी थक क्या न थी अजी। फाइनली हम निकल चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी से घर की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। घर जाकर मस्त सो जाएगा, घर जाकर मस्त सो जाएगा घोड़े पे। पेट्रोल पंप पे खड़े होकर बैठकर बना रहे हैं, खड़े होकर बसी के बैठकर बना रहे हैं। हां पड़ा है, खड़े होकर मतलब क्या पेट्रोल फंबल हो रहा है। फंबल इसको हिंदी में जान है, फंबल नहीं भूली गई थी बेटा, वाट को भरी ना हो दियो। अभी बेल बन के रेडी हो चुकी है, खा लेते हैं। तो अभी फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगा, पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी फैला दो।